हाय, मैं हूं अयाज और आप देख रहे हैं टेकटॉक। आज का ये टेकटॉक वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा एंड्रॉइड फोन्स के कुछ ऐसे सीक्रेट कोड्स, कुछ ऐसे हैक्स जिनकी मदद से आप अपने फोन की सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके फोन को बिना आपकी परमिशन के किसने कितना यूज किया है, कौन कौन से ऐप्स यूज किए गए हैं और कितने वक्त तक किए गए हैं, और कुछ ऐसे काम आप कर सकते हैं जो नॉर्मल मोड में आप नहीं कर पाएंगे, जैसे कि फोन को फ्लाइट मोड पर डाल के भी इंटरनेट आप चला सकते हो और कॉल भी कर सकते हो। तो चलो जानते हैं उन सीक्रेट कोड्स के बारे में जिनको आप अपने फोन में यूज कर सकते हैं और ये आपके बड़े काम के हैं। सबसे पहले वो ट्रिक जिसको एक्टिवेट करके आप अपने फोन को फ्लाइट मोड पर करने के बाद भी इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि फोन में आपको नेटवर्क नहीं दिखेगा। फोन आपका जो होगा एयरप्लेन मोड पे होगा, फ्लाइट मोड पे होगा, लेकिन आपके फोन में इंटरनेट चलता रहेगा, आप एक्सेस करते रहोगे। तो इसके लिए आपको अपने फोन के डायल पैड पर जाना है, *#*#4636#*# डायल करना है और फोन इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहां पर आपको अपने फोन की सारी इन्फॉर्मेशन दिखेगी, IMEI नंबर क्या है फोन का, सिग्नल कितने आ रहे हैं फोन में, सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या है, लेकिन आपको देखना है मोबाइल रेडियो पावर वाला ऑप्शन और इस पर क्लिक करके इसे ऑन कर देना है। बट अगर आप अपने फोन के ब्राउजर में जाएंगे तो यू विल सी कि इंटरनेट काम कर रहा है, यू कैन ब्राउज एनीथिंग यू लाइक। एक्चुअली सेटिंग से एयरप्लेन मोड बाय डिफॉल्ट डिसेबल हो जाता है और आपका फोन नॉर्मल मोड में काम करता रहता है। सो इस ट्रिक को आप ट्राई करना अपने फोन पर और बताना कि आपके फोन पर काम कर रही है या नहीं कर रही। मैंने ऑलमोस्ट फोन पे जितने भी टेस्ट किए हैं सभी एंड्रॉइड फोन में इट्स वर्किंग, तो इट शुड ऑल्सो वर्क ऑन योर फोन टू। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिक है जो आपके बड़े काम की है। सपोज अगर आपका फोन घर पर रखा है और कोई उसको आपको बिना बताए यूज कर लेता है, या फिर घर में बच्चे हैं आपके फोन से छेड़खानी कर दे, तो ऐसे में आपको ये कैसे पता चलेगा कि किसी ने आपके फोन में क्या किया है, कौन कौन से ऐप्स यूज किए हैं, किस वक्त किए हैं और कितने टाइम के लिए किए हैं। तो दोस्तों की चोरी पकड़ने के लिए भी आपको फिर से वही कोड यूज करना है और यूजेज स्टैटिस्टिक में जाना है और वहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप देखेंगे कि आपके फोन में कौन कौन से ऐप्स चलाए गए हैं, किस वक्त ओपन किए गए हैं ऐप्स और कितने देर तक चलाए गए हैं। यहाँ पर आपको सारी इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो अब कोई झूठ बोले कि मैंने आपका फोन यूज नहीं किया, सो भाई जस्ट डायल दिस कोड एंड चेक कि आपके फोन के साथ क्या छेड़खानी की गई है। और हाँ, अगर किसी दोस्त का फोन आपके हाथ लग जाए तो उसमें भी आप ये कोड डालकर चेक कर सकते हो कि आजकल भाई सब कहाँ बिजी हैं, क्या उनकी मशगूलियत है। इस चोरी पकड़ने वाले कोड के बाद एक और सीक्रेट कोड है जिसके जरिए आप अपने फोन की सारी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो, फोन में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सब कुछ सही चल रहा है या नहीं फोन में, ये पता लगा सकते हो। एंड दैट इज ***#*#6466#*#*#। अब आपके सामने हार्डवेयर टेस्ट आ जाएगा, इसके थ्रू आप पूरा फोन का जो हार्डवेयर है, डिस्प्ले है, कैमरा, माइक्रोफोन, सब कुछ टेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बोशे इन्फो पर क्लिक करेंगे आप तो आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगा, IMEI नंबर फ़ोन का आ जाएगा, बिल्ड नंबर आ जाएगा, कर्नल वर्जन आ जाएगा, CPU ID, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखेगा, यू कैन चेक दैट। साथ में SD कार्ड आपके फ़ोन में काम कर रहा है नहीं कर रहा है आप यहाँ से चेक कर सकते हो। कीबोर्ड टेस्ट ये अलाउ करेगा आपको, फॉर एग्जांपल इट सेज वॉल्यूम अप, वॉल्यूम अप करोगे तो इट मींस क्या पावर का बटन आपका जो वॉल्यूम अप है वो काम कर रहा है, वॉल्यूम डाउन मतलब वॉल्यूम डाउन काम कर रहा है, पावर बटन पर प्रेस करोगे तो इट मींस पावर बटन इज आल्सो वर्किंग। नाउ वाइब्रेशन अगर कंटिन्यूसली 10 सेकंड तक हो रहा है अभी, इट्स वाइब्रेटिंग एक्चुअली, तो इसका मतलब आपका वाइब्रेशन भी आपका काम कर रहा है सही से। अगैन डिस्प्ले आप टेस्ट कर सकते हो कि कहीं आपको स्क्रीन ब्लीडिंग का इशू तो नहीं आ रहा है। नेक्स्ट करेंगे तो इट विल टर्न ग्रीन, नाउ इट विल टर्न ब्लू, यू कैन चेक कि कहीं से कोई इशू तो नहीं है डिस्प्ले में, एंड इट इज पास्ड एक्चुअली। नाउ इसके बाद आप जो टॉप स्पीकर टेस्ट भी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल टॉप स्पीकर आप क्लिक करोगे तो दो नंबर आपको सुनाई देंगे एंड यू विल हैव टू डायल दैट 7 8। नाउ इट मींस अब बॉटम स्पीकर टेस्ट हो रहा है 7 1। नाउ इट हैज पास्ड। सो दीज आर सॉर्ट ऑफ टेस्ट यू कैन कंडक्ट। माइक टेस्ट आप कर सकते हो इसी तरीके से, टॉप माइक टेस्ट कर सकते हो, ब्लूटूथ वाईफाई टेस्ट हो सकता है यहाँ से, काफ़ी सारे चार्जिंग टेस्ट भी है, बैटरी टेस्ट फेल अभी आ रहा है राइट नाउ। अगेन आप कैमरा टेस्ट भी कर सकते हो, मैक्रो कैमरा अगर आपको टेस्ट करना हो सामने चेक कर सकते हो, इसके अलावा मेन कैमरा जो आपका है उसको टेस्ट कर सकते हो। अगेन इसी तरीके से आपका जो फ्रंट कैमरा है वो टेस्ट हो जाएगा, फिंगरप्रिंट सेंसर टेस्ट हो जाएगा, GPS और बैटरी इंडिकेटर, यानी कि आप काफ़ी सारे मतलब जो है टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो जस्ट टू चेक कि आपका फ़ोन जो है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है।
इसके अलावा सैमसंग फोन्स के लिए एक डिफरेंट टेस्टिंग कोड है, आप उसको यूज कर सकते हो टू चेक द फोन। डायल पैड पर आपको *#0* डायल करना है और इसके बाद आपके सामने कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जिनके थ्रू आप अपने फ़ोन की पूरी परफॉर्मेंस चेक कर पाओगे। आपके फ़ोन की डिस्प्ले सही काम कर रही है नहीं तो आप कलर ऑप्शन चेक कर सकते हो कि स्क्रीन ब्लीडिंग का इशू तो आपको कहीं नहीं आ रहा है। ग्रीन्स कैसे आ रहे हैं डिस्प्ले पर आप वो चेक कर सकते हो। ब्लू डिस्प्ले हो जाएगी आपके यहाँ, ब्लूज चेक कर सकते हो। अपने फ़ोन की आप वाइब्रेशन इंटेंसिटी चेक कर सकते हो कि फ़ोन का वाइब्रेटर सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। आपके फ़ोन की जो स्क्रीन है टच है वो कैसे काम कर रही है वो आप टच के ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर सकते हो। इसके थ्रू आप चेक करोगे कि आपका कहीं से टच रिस्पॉन्स ख़राब तो नहीं आ रहा है। यू नीड टू जस्ट फिल इट और फिर आपको पता लगेगा कि आपका फ़ोन का टच कहीं से ख़राब तो नहीं हो रहा है। आई जस्ट डू दिस। इसके अलावा आपने फ़ोन का फ्रंट कैमरा चेक कर सकते हो, ग्रिप सेंसर चेक कर सकते हो, एलईडी लाइट आपकी सही से फंक्शन कर रही है नहीं कर रही है, ब्लैक्स कैसे काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें आप टेस्ट कर सकते हो और आप अपने फ़ोन की इसके थ्रू सारी जो परफॉर्मेंस है वो चेक कर सकते हो। सो ये थे कुछ सीक्रेट एंड्रॉयड कोड्स, आप अपने फ़ोन में इनको ट्राई करना और बताना कि सभी काम कर रहे हैं या नहीं। ये भी बताना कि इनमें से कितने कोड्स आपको पहले से पता थे और कौन सा कोड आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा। और हाँ, अगर आपके पास भी कुछ ऐसे ही सीक्रेट कोड्स हो दूसरे तो उनको आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो ताकि दूसरे यूज़र भी उनसे फ़ायदा उठा सकें।